हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने रोम्स कैसे कंपाइल करता हूं, ताकि आप भी उससे सीख सकें और आप भी खुद अपने रोम कंपाइल कर सकें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स में उससे पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और इस ऐप को सर्च करना है जिसका नाम है जूस SSH। इसको आपको इंस्टॉल करना है। मैं मेनली यही ऐप यूज़ करता हूँ। आप कोई और भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें टर्मी है सारा, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कनेक्शंस में जाना है और यहाँ पे आइडेंटिटीज में जाके न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करनी है आपको। निकनेम और यूज़र नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं इसमें रोम डाल देता हूँ। और फिर प्राइवेट कीज पे आपको सेट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जनरेट पे जाके आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको ये आइडेंटिटी सेव करनी है, तो उसके लिए आपको राइट पे टिक पे क्लिक करना है। उसके बाद जब आप इसको होल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट का, पब्लिक की और प्राइवेट की का, तो आपको इन दोनों को एक्सपोर्ट करके सेव कर देना है। ये आइडेंटिटीज बहुत काम आती हैं, आपको बार बार जनरेट ना करना पड़े, तो इससे अच्छा आप इसको कहीं सेव करके रख लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, कॉपी कर लीजिए और इसको किसी और ऐप में जाके आप उसको सेव कर लीजिए। SSH कीज जनरेट करने के बाद आपको एक अकाउंट बनाना है गूगल क्लाउड कंसोल में। आप जब यहाँ पे गो टू कंसोल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बिलिंग और का ऑप्शन आएगा। आपको वो बिलिंग अच्छे से भरनी है। आपको अपना उसमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास, वो आपको डालना पड़ेगा। उससे आपको ये होगा कि गूगल आपको $3000 आपको एक साल के लिए देता है। आप उनका सर्वर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है एक साल तक। बस आप यहाँ पे अपग्रेड पर क्लिक ना करें, बिल्कुल अच्छे से यूज़ करिए, इन्जॉय करिए। जब आप अपना वेरीफाई करवा लेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपली कंप्यूटर इंजन में जाके मेटा डेटा पे जाना है और आपको यहाँ पे SSH कीज में जाके आपने जो जनरेट की है कीज उसको ऐड करना है। मैंने जैसे उसमें पब्लिक की और प्राइवेट की एक्सपोर्ट की थी, तो आपको यहाँ पे पब्लिक की आपको ऐड करनी है। आपको यहाँ पे जो लास्ट में जो ऐप का नेम दिख रहा है, आपको उसको सिंपली हटा के जो आपने यूजर नेम डाला था वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे ऐड आइकन पे जाकर क्लिक कर दीजिए। SSH की सेव होने के बाद आपको VM इंस्टेंसेस पे आना है, क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे रोम डाल दे रहा हूँ आपको। मैं इसमें रीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं सेलेक्ट करने की, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंस्टेंस बना चुके हैं, तो मुझे कोई और रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा नहीं तो मेरा इंस्टेंस नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे CPU 8 भी सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे Ubuntu 1604 LTE सेलेक्ट करना है। पिक साइज आप 1000 GB रख सकते हैं और वहाँ पे नीचे दोनों ऑप्शन अलाउ करके आप इसको क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपका इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा आपको यहाँ पे एक एक्सटर्नल IP मिल जाएगा। आपको सिर्फ इसी की ज़रूरत है, आपको इसको कॉपी करना है और उसके बाद ऐप में जाना है। तो चलिए देखते हैं ऐप में फिर क्या करना है। इंस्टेंस बनाने के बाद जब आपके पास एक एक्सटर्नल IP आ जाए तो आपको ऐप में जाना है, कनेक्शन पर जाना है और यहाँ पर कनेक्शन में आपको एक नया कनेक्शन क्रिएट करना है। एड्रेस में आप वही अपना एक्सटर्नल IP डालना है, आपको इंटरनल IP नहीं डालनी है, एक्सटर्नल डालनी है। आइडेंटिटी आपकी पहले से सेलेक्ट है। जब आपका ऐप अनइंस्टॉल हो जाएगा, दोबारा से ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आपको सिंपली आइडेंटिटी में जाके न्यू पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सेट ऑप्शन में जाके आपको आइडेंटिटी जो यहाँ पे आएगी आपको यहाँ पे प्राइवेट की पेस्ट कर देनी है। आइडेंटिटी आपके पहले से बनी हुई है तो आपको अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है।
आप सिंपली यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए। आपका ये खुल गया। जब भी आप पहली बार इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले टीम यूक्स डालना है, तो आपकी एक अलग विंडो खुलेगी। और जाओ आप इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, और जब दोबारा से इसको ओपन करते हैं तो आपको जब आपको जहाँ पे आपने लेफ्ट किया था आपको वहीं पे वापस जाना है, तो उसके लिए आपको टीम यूक्स अटैच डालना पड़ेगा हर बार। आगे हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे गाइड दी गई है, आप उस गाइड को उतना ही फॉलो करिए जितना मैंने आपको बताया है। और अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप नीचे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं और उधर पे मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।